वहाँ किसी से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो। साउथ की टॉप 10 हिंदी डब रोमांटिक कॉमेडी मूवीज जिनमें आपको बेहतरीन रोमांस कॉमेडी स्टोरीज देखने को मिलेगी। जितना इन मूवीज में इमोशनल सीन्स है उतना ही ये फिल्म में आपको हंसाती भी है। तो सभी मूवीज अमेजिंग है, इन्हें बार बार भी देख सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गौतम एंड मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों अब शादी करना चाहते हैं, बट मीरा गौतम के माँ के साथ नहीं रहना चाहती, जिस वजह से दोनों की शादी पक्की होते होते रह जाती है। तो किस तरह से गौतम मीरा एंड अपनी माँ को एक साथ रहने के लिए कन्विंस करेगा, क्या मीरा मानेगी, क्या दोनों की शादी हो पाएगी, यह इस मूवी की कहानी है जो अब काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली हो। तो नंबर 10 पे है एलजीएम मूवी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। एंड भले ही मूवी में रोमांटिक सीन्स कम हो बट कॉमेडी भरपूर है। तो अगर आप एक फैमिली ड्रामा वाली रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। यह मूवी आपकी स्कूल लाइफ एंड स्कूल की यह स्टोरी शैतानियां फिर से याद दिलाने वाली है, क्योंकि इसमें हमें कुछ दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है जिन्हें स्कूल में लड़कियों से प्यार हो जाता है। तो इसके बाद उनकी लाइफ कैसे चलती है, स्कूल पास आउट होने के बाद अब उनकी लाइफ कैसी है, ये सब आगे की कहानी है। तो सेम वही स्टोरी है जो हम सभी के साथ स्कूल में एंड स्कूल पास आउट होने के बाद होती है, एंड इस वजह से यह मूवी भूल नहीं पाओगे। तो नंबर 9 पे है मुधवमनी, एंड ये भी एक रोम कॉम मूवी है जिसमें आपको ऐसी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेगी, तो हिंदी में G5 के ऐप पे देख सकते हो। एक और ऑर्थोडॉक्स फैमिली वाली लव स्टोरी जहां अपने हीरो को प्यार में पापर बेलने होंगे। तो कहानी है कृष्णा की, जिसे अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो अब उसके सामने दो परेशानियां हैं। पहली आप कहानी में देख लेना, एंड दूसरी उसकी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली जो उसके इस लव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कैसे कृष्णा उस लड़की को पटाएगा, कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करेगा, एंड कैसे वो पहली परेशानी को सॉल्व करेगा, ये इस मूवी की कहानी है जो सच में आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो नंबर 8 पे है कृष्णा वृंदा बिहारी मूवी, जिसमें आपको कुछ यूनिक स्टोरी देखने को तो नहीं मिलती बट द वे स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो आप भी इसे YouTube पे देख सकते हो। एंड गर्ल्स ही इज सिंगल, ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। तो कहानी है अपने हीरो की जो अपनी लव स्टोरीज को सुनाकर पुलिस को पिघलाना चाहती है ताकि वो उसे छोड़ दे। तो क्या उसकी लव स्टोरीज में वो इमोशन है कि वो पुलिस वालों को सेट कर पाएगा, ये आप मूवी में देख सकते हो। तो नंबर 7 पे है सबा नायगन, जो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, एंड मूवी फन टू वॉच है, बेहतरीन कॉमेडी आपको देखने को मिलती है, साथ में जो भी अरविंद की लव स्टोरीज देखने को मिलती है उसे आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। कहीं कहीं पे स्टोरी आउटडेटेड फील होती है कि वही स्कूल की स्टोरी दिखाई जा रही है, बट इसके बाद भी आप एंजॉय करते हो। तो हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते। तो एक तरफ अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्में हैं तो दूसरी तरफ यवक जो सेम सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करती है। अर्जुन रेड्डी जैसी मूवी टॉक्सिसिटी को दिखाती है तो यवक जैसी फिल्में एक्चुअल सॉल्यूशन। तो कहानी है अर्जुन एंड दिव्या की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड जैसा सभी रिलेशनशिप में होता है कि अब दोनों में अनबन हो रही है एंड एक तरह से अब दोनों ब्रेकअप तक आ चुके हैं। तो कैसे दोनों इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे ये इस मूवी में आप देख सकते हो। तो नंबर 6 पे है यवक मूवी, एंड यकीन करो रोमांस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो ये मूवी देख सकते हो। स्टार्टिंग का पोर्शन शायद आपको बोर कर सकता है बट एंड तक पूरी तरह से इन्वेस्टेड होगे, तो हॉटस्टार पे देख सकते हो। इस मूवी को हिंदी में आने में 6 साल लगे बट फिर भी आपको ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको रूटीन रोमांस मूवी से हटके हर किसी डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है। तो कहानी है श्री की, जिसे एक इंडिपेंडेंट लड़की से प्यार हो जाता है बट वो उसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है। तो क्या श्री उसका माइंड चेंज कर उसे अपने प्यार में गिरा पाएगा, ये ओवरऑल कहानी है जो ढेर सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट एंड कॉमेडी सीन से भरी हुई है। तो नंबर 5 पे है प्यार प्रेमा काधक, जिसे हिंदी में दिलवागा दिलवागी के नाम से डब किया गया है, एंड ओवरऑल ये मूवी फन टू वॉच है। रोमांस कॉमेडी सीन्स इमोशनल सीन्स सब आपको देखने को मिलता है, तो YouTube पे हिंदी में देख सकते हो। पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपने ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी नहीं देखी तो देखनी चाहिए। कहानी एक सिंगल फादर की है जिसे कॉलेज के टाइम एक भूल हो जाती है, जिसके बाद उसे अकेले ही अपने बेटे को बड़ा करना होता है। तो कैसे वो अपने बेटे का देखभाल करता है एज अ सिंगल फादर, क्या क्या परेशानी उसके सामने आती है, एंड क्या फिर से वो अपने लवर से मिल पाएगा, ये इस मूवी की कहानी है। तो नंबर 4 पे है डैडा मूवी, जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको प्रेजेंट करती है विद लॉट ऑफ इमोशनल सीन्स एंड फनी सीन्स, एंड सेकंड हाफ में जिस तरह से कहानी सीरियस होती चली जाती है एक एक सेकंड आप एंजॉय करने वाले हो, तो प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। 3-4 बार मैं यह मूवी सजेस्ट कर चुका हूँ, एंड अगेन आई एम सजेस्टिंग कि यह मूवी आपको एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहानी आउट ऑफ द बॉक्स या अल्ट्रा अमेजिंग है, नहीं, स्टोरी सिंपल है, जहां एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है एंड देन उसे इम्प्रेस करने के लिए वो क्या क्या करता है, ये आगे हमें देखने को मिलता है। बट स्टोरी से हट के जिस तरह से हम इस मूवी के सभी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस को इनहेंस करती है। तो नंबर 3 पे है रोमांटिक कॉमेडी मूवी प्रेम यू, एंड अगर आप एक फनी इमोशनल फ्रेंडशिप वाली यंग वाइब वाली रोमांस मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए ही है। मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुकी है, तो मिस मत करना। वाह,
वहाँ किसी से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो। हिंदी में रिलीज हुई एक और अंडररेटेड रोमांटिक कॉमेडी मूवी जो एक फनी इमोशनल रोमांस स्टोरी के साथ कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाती है जो एक रोमांस मूवी में पहली बार आप देख पाओगे। तो कहानी एक बाप एंड बेटी की, जहाँ पे बेटी के लिए उसकी माँ एक मिस्ट्री है। ना ही उसने अपनी माँ को कभी देखा है, ना ही उनकी कोई कहानियां यादें उसके पास है। तो क्या होता है जब वो एक दूसरी लड़की के साथ अपनी माँ के बारे में जानने की जिद करती है, ये इस मूवी की कहानी है। तो नंबर 2 पे है हाय पापा, जिसके स्टार कास्ट में है नानी एंड मोनक ठाकुर। एंड पहली बार जब मैंने ये मूवी देखा तो मैं काफी शॉक था कि ये क्या है। एक तो मूवी की लव स्टोरी नो डाउट बहुत ही इमोशनल एंड ऑसम है, बट उससे भी शॉकिंग थी इंटरवल एंड क्लाइमेक्स का प्योर ट्विस्ट जो अनएक्सपेक्टेड था। तो अमेजिंग रोमांस मूवी है, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हो। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जो एक नहीं 2 फिल्मों की मूवी सीरीज है एंड गारंटीड ये दोनों ही मूवी देखने के बाद आप रोने वाले हो। तो कहानी है 2 लवर्स की जो अपनी लाइफ सेट ही करने वाले होते हैं कि उनके साथ एक ऐसी इंसिडेंट होती है जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है, एक दूसरे से अलग कर देती है। तो उनके साथ क्या होता है, कैसे वो अलग होते हैं एंड क्या वो फिर से कभी मिल पाएंगे, ये मूवी की कहानी है। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी कीमत पे ये दोनों ही मूवी मिस मत करना, काफी अमेजिंग स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर 1 पे है सप्ताह सागर दाचे यो साइड ए एंड साइड बी। मूवी के स्टार कास्ट में है रक्षित शेट्टी एंड दोनों ही फिल्में हिंदी में प्राइम वीडियो पे आ चुकी है, तो मिस मत करना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।